आज हम बात करेंगे 1960 के दशक के अभिनेता दिलीप कुमार की। आपको बता दें, दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के उन नामों में से एक हैं जिन्होंने सुपरस्टार की परिभाषा रची थी। ट्रेजेडी सीन्स में उनके अभिनय प्रतिभा की वजह से उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। भारतीय सिनेमा में पहचान बनाने के लिए उन्होंने हिंदू नाम दिलीप कुमार रख लिया था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा देवलाली के बारने स्कूल से ली थी। उनका परिवार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 1930 में मुंबई शिफ्ट हो गया था। यूसुफ 1940 में पुणे गए थे और वहां उन्होंने कैंटीन शुरू की। वो ड्राई फ्रूट बेचने का भी काम करते थे। दिलीप कुमार और मधुबाला की रिलेशनशिप के बारे में तब बहुत सारी खबरें आया करती थी, लेकिन मधुबाला के पिताजी उनकी शादी के लिए नहीं माने और इसी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सका। आपको ये भी बता दें कि 1966 में उन्होंने अपने से बहुत छोटी उम्र की अभिनेत्री सायरा बानो के साथ विवाह किया। शादी के समय वो 44 साल के थे जबकि सायरा बानो 22 साल की थी। और फिर 1980 में उन्होंने दूसरा विवाह अस्मा से किया था, लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चली। आपको बता दें, दिलीप कुमार 1943 में देविका रानी और उनके पति हिमांशु राय से मिले थे। तब राय बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे और उन दोनों ने ही यूसुफ को ज्वार भाटा में लीड रोल के लिए चुना था। ये फिल्म 1944 में रिलीज हुई थी। इसी तरह उन्होंने अपना फिल्मी करियर 1944 में शुरू किया था, जिसके बाद अगले 3 दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड में सशक्त अभिनेता के रूप में न केवल काम किया बल्कि काफी सम्मान भी अर्जित किया। दिलीप कुमार ने 1947 में फिल्म जुगनू में काम किया। 1948 में उन्होंने शहीद, मेला और अनोखा प्यार में काम किया। 1949 में अंदाज, 1955 में देवदास, जो उस समय बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। वास्तव में 1949 में आई अंदाज ने उनके करियर को एक नई पहचान दिलाई। इसमें राज कपूर और नरगिस ने उनके साथ काम किया था और ये उस समय तक के इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। 1960 में आई उनकी फिल्म मुगले आजम ने तो इतिहास ही रच दिया। उसके बाद 1961 में गंगा जमुना को भी काफी सराहना मिली थी। और आपको ये बता दें, दिलीप कुमार को भारत सरकार ने 1991 में देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके बाद 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अपने 54 साल के करियर में दिलीप कुमार 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीत चुके हैं। वास्तव में वो पहले अभिनेता थे जिन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। 1994 में उनके बॉलीवुड को दिए गए योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। लगातार कई समय तक ट्रेजिक किरदार निभाने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे और उनके साइकाइट्रिस्ट ने उन्हें हल्के फुल्के किरदार निभाने की सलाह दी थी। भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम पर ही है। दोस्तों, ये तो थी दिलीप कुमार के जीवन के बारे में कुछ चंद बातें। वो लम्हे, आपको बता दें कि ये हमारे अभिनेता अब 96 साल के हो चुके हैं। लोग इन्हें लंबी उम्र की दुआएं देते हैं।